नमस्कार बच्चों, अपना जो टॉपिक चल रहा है साझेदारी का सामान्य परिचय, आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे अपना इसमें है देखो आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, या आहरण पर ब्याज। कल हमने किया था पूंजी पर ब्याज, आज अपना है आहरण पर ब्याज। तो पूंजी पर ब्याज की दो विधियां थी, एक थी सामान्य विधि, एक गुणनफल विधि, और आहरण पर ब्याज की तीन विधियां हैं। नंबर एक सामान्य विधि, जिसका फॉर्मूला आएगा आहरण की कुल राशि इंटू ब्याज दर बटे में 100 इंटू माह या दिनों की संख्या बटे 12 या 365। तो सामान्य विधि से यदि आहरण पर ब्याज निकालेंगे तो इसका सूत्र होगा आहरण की पहले कुल राशि लेनी है, उसे ब्याज दर से गुणा करना है, और माह या दिनों की संख्या लिखे बटे में 12 या 365 लिखना है। उसमें था पूंजी पर ब्याज निकालते थे तो उसमें यहाँ पर आहरण की कुल राशि की जगह पूंजी की कुल राशि थी, यहाँ पर आहरण की कुल राशि है। बाकी फॉर्मूला सारा वही रहेगा, सेम वही विधि है, सामान्य विधि, फॉर्मूला भी वही है, सिर्फ इतना फर्क है पूंजी की राशि की जगह आपको आहरण की कुल राशि लेनी है। नंबर दो पे था अपना गुणनफल विधि, गुणनफल विधि में वही सूत्र सेम, गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बटे में 100 इंटू 1/12 या 365। तो सामान्य विधि में आहरण की कुल राशि गुणा में ब्याज दर बटे 100 इंटू माह बटे 12 या दिनों की संख्या बटे 365, और गुणनफल विधि में पहले गुणनफलों का योग लेना है इंटू ब्याज दर बटे 100 और इंटू ए ऊपर हमेशा एक आएगा, अगर आपने महीनों में लिया है तो नीचे 12 आएगा और दिनों में लिया तो नीचे 365 आएगा। तीसरी विधि है अपनी औसत अवधि विधि, औसत अवधि विधि। औसत अवधि विधि का प्रयोग उसी दशा में किया जा सकता है जब समान राशि से आहरण किया हो, प्रत्येक महीने किया हो और एक ही तिथि को किया हो, यानी यह समान राशि का हो। जैसे मान लो 5,000 रुपये एक महीने में आहरण किया है तो दूसरे महीने में जो आहरण है वो 5,000 रुपये का ही होना चाहिए, तीसरे महीने में जो आहरण है वो भी 5,000 का हो, चौथे में 5 का, पांचवें में 5 का, यानी सदैव समान राशि से आहरण होना चाहिए। दूसरी बात ये आहरण है वो प्रत्येक महीने होना चाहिए, बीच में कोई मिस नहीं होना चाहिए। तीसरी बात ये कि आहरण जैसे मान लो पहली तिथि को किया महीने की तो प्रत्येक महीने पहली तिथि को ही करे, मध्य में किया तो मध्य में करे, जैसे मान लो 15 जनवरी को किया तो फिर वो कब करे, 15 फरवरी को, 15 मार्च को, 15 अप्रैल को, और करना कैसे, समान राशि से आहरण करना है, तो ही आप क्या करते हो औसत अवधि विधि का प्रयोग कर सकते हो। ये जो दो विधियां हैं सामान्य विधि और गुणनफल विधि, ये सेम वही विधि है जो पूंजी पर ब्याज निकालने की विधियां थी, सिर्फ इतना अंतर है कि आहरण की कुल राशि और ली थी हमने इसमें और उसमें पूंजी की राशि ली थी। गुणनफलों का जब योग निकाला उसमें तो हमने कैसे निकाला था गुणनफल, हमने पूंजी की राशि को किससे गुणा किया था, मंथ से, इसमें क्या करोगे अपने आहरण की राशि को मंथ से गुणा करोगे और इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू 1/12 365 आएगा ही आएगा। सेम वही सूत्र है, सिर्फ क्या करना आपको पूंजी की राशि की जगह आहरण की राशि लेनी है। अब औसत अवधि विधि का प्रयोग कब करना है, जब समान राशि से आहरण हो,
एक ही तिथि को और प्रत्येक महीने हो, समारा से मतलब 5000 जनवरी, 5000 फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, प्रत्येक महीने 5000 का आरण करें। समान तिथि का मतलब हुआ अगर 1 जनवरी को किया तो फिर वो 1 फरवरी को करे, 1 फरवरी को किया 1 मार्च को करे, 1 मार्च के बाद 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ऐसे पूरे साल तक करे। तीसरा, अगर वो आरण कब करता है, अंतिम तिथि को या मध्य में करे, तो जैसे मान लो 15 जनवरी तो फिर 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई को करें, ऐसे करता रहे पूरे साल तक। अगर एंड में करे तो फिर वो अंतिम तिथि को करे, अंतिम तिथि का मतलब चाहे वो 28 फरवरी हो या फिर वो 30 जून हो या 31 जनवरी हो, कहना मतलब अंतिम दिन करे, तो आप औसत अवधि विधि का प्रयोग करते हैं। अन्यथा आप औसत अवधि विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको इन दो विधियों में से कोई एक विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले हम देखो औसत अवधि की तीन विधियां होती है, इसको करने से पहले अपने पहले इस विधि का एक उदाहरण करते हैं, एक सवाल लेंगे जो इन दोनों विधियों से ही कर लेंगे अपने। सामान्य विधि और गुणनफल विधि से पहले कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने। मान लो किसी फर्म में ए और बी दो साझेदार हैं, एक ए साझेदार है, एक बी साझेदार है। तो फर्म में क्या ए और बी दो साझेदार हैं, उनका जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल को शुरू होता है। अब अमाउंट के दो कॉलम मान लेते हैं अपने, एक ए का, एक बी का। इसे पहले कर रहे हैं अपने सामान्य विधि से। अब 1 अप्रैल को ए ने 10,000 रुपये का आरण किया, ए ने किया 10,000 का आरण और बी ने किया 15,000 रुपये का आरण। 30 जून को ए ने किया 8,000 रुपये का आरण, बी ने कोई आरण नहीं किया। 31 अक्टूबर को ए ने नहीं किया, बी ने किया 10,000 रुपये का आरण। और 31 दिसंबर को ए ने किया 5,000, बी ने कोई आरण नहीं किया। फिर 31 मार्च को ए ने नहीं किया, बी ने किया 20,000 रुपये का आरण। इस प्रकार आरण किया, 1 अप्रैल को ए और बी दोनों ने किया, ए ने किया 10,000 का, बी ने किया 15,000 का। 30 जून को ए ने किया 8,000 का, बी ने कोई आरण नहीं किया। 31 अक्टूबर को ए ने कोई आरण नहीं किया, बी ने किया 10,000 का। और 31 दिसंबर को ए ने किया 5,000 का, बी ने कोई आरण नहीं किया। और 31 मार्च को 20,000 का आरण है वो बी ने किया। अब अपने देखो इसको करना है एक सामान्य विधि से करना है, तो सामान्य विधि से करने के लिए जितनी बार आरण किया हमें ब्याज उतनी बार निकालना पड़ेगा। लेकिन सामान्य विधि का अपना सूत्र क्या था, आहरण पर ब्याज बराबर आहरण की राशि इंटू ब्याज दर बटे में शो इंटू माह की संख्या, क्योंकि सारा देखो या तो शुरू में है या अंतिम तारीख को है, इसलिए यहाँ पर माह की संख्या आएगी। अगर मध्य में होता तो फिर दिन लेने पड़ते। माह की संख्या बटे में 12। अब आरण की राशि, पहले अपने देखो ए के आहरण पर ब्याज निकालते हैं, ए के आहरण पर ब्याज।
अब ए के आरण पर ब्याज निकालेंगे। पहले ए ने देखो आरण किया, आरण की राशि ए ने की 10,000 रुपये। अब इसमें ब्याज की दर अपने मान लेते हैं, ब्याज की दर, तो ब्याज की दर बराबर 12% वार्षिक। ब्याज की दर वो कितनी है, 12% वार्षिक है। तो ए के आरण पर ब्याज निकालेंगे, आरण की राशि ले ली 10,000, ब्याज दर होगी 12/100 इंटू माह की संख्या। माह का मतलब है जिस दिन आरण किया तब से लेकर जब साल समाप्त हो रहा है। ये मान लेते हैं कि उनका साल है वो 31 मार्च को समाप्त हो रहा है, क्योंकि शुरू 1 अप्रैल को हो रहा है, तो माह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने बच गए। तो यहाँ पर 12 लिख दो और बटे में 12 लिखना है। जब पूरे 12 महीने के लिए हो तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख दो, 12 से 12 काट दो, 20 से 20 हो गया, टोटल कितने रुपए हो गए, 1200। तो ए के आरण पर ब्याज है वो 10,000 का 12% कितना हो गया अपना, 1200 रुपये हो गया, ठीक है। फिर उसने आरण कब किया देखो, फिर उसने किया 30 जून को, आरण की राशि 8,000 इंटू रेट वही 12%। अब हमें क्या करना है, 30 जून से लेना है, 30 जून से लेंगे तो देखो अप्रैल पूरी गई, मई गई, जून गई, आगे कितने माह बच गए, 9 माह बच गए, यानी कि 1 जुलाई से लेकर जब साल समाप्त होगा 31 मार्च, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक टोटल माह है वो बच गए अपने 9 माह, 9/12, 12 से 12 गई, 2 से 20 गई, कितने रुपए हो गए, 8, 9, 8, 9, 72, 720 रुपये ये हो गए इसके, 720 रुपये। फिर उसने तीसरी बार आरण किया, कब किया देखो, 31 दिसंबर को, 31 दिसंबर को उसने कितने का आरण किया है, 5,000 का, रेट वही कितनी, 12%, 12/100, माह कितने बच गए, उसने कहा 31 दिसंबर को, तो आगे जनवरी फरवरी मार्च 3 माह बच गए, इंटू करेंगे 3/12, 12 से 12 गए, 20 से 20 गई, और ये आ गया 150 रुपये। तो इसके आरण पर जो कुल ब्याज हो गया वो हो गया अपना 1200 2070 रुपये, 2070 रुपये। तो ए के आरण पर कुल ब्याज की राशि है वो 2070 रुपये हो गया। अब हमें इसी तरह बी के आरण पर ब्याज निकालना है, बी के आरण पर ब्याज, अब बी के आरण पर ब्याज निकालेंगे, सूत्र सेम वही चलेगा, आरण की राशि, तो बी के आरण की राशि शुरू में कितनी है, 15,000 रुपये है, तो आ गया 15,000 इंटू में ब्याज दर कितना है, 12%, तो 12/100 आ गया, इंटू में वही महीनों की संख्या, तो शुरू में उसने जब किया तो पूरे 12 महीने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने बचे हुए हैं, तो वही 12/12, 12 से 12 काट दो, 20 तो कितने आ गए, 150 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 1800 रुपये आ गए, तो 15,000 का 12%, 12 महीने का 1800 रुपये हो गया। फिर उसने आरण किया 31 अक्टूबर को, अब 31 अक्टूबर को कितने का किया, 10,000 का, तो 10,000 रेट वही 12%, तो 12/100, 12/100 इंटू कितने महीने बच गए, 31 अक्टूबर गया, अब 31 अक्टूबर गया तो उसके नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने बच गए पूरे, इन नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च कितने महीनों का निकालेंगे, 5 माह का, तो 5/12, 12 से 12 काट दिया, 20 से 20 कितना आ गया, 500। तो बी के आरण पर ब्याज आ गया 15,000 का 12%, 1800 रुपये एक आ गया, और 10,000 का 12%, 5 महीने का है वो 500 रुपये आ गया। फिर उसने आरण किया 31 मार्च को, अब 31 मार्च को आरण किया,
31 मार्च को जब उसने आरण किया तो 31 मार्च को ही साल समाप्त हो रहा है, और उसी दिन उसने आरण किया है तो 31 मार्च से 31 मार्च तक कोई टाइम नहीं हुआ। तो अगर मान लो इसे करें अपने, वैसे तो ये होगा ही नहीं, लेकिन करें तो कैसे आएगा? देखो कितनी राशि है, 20,000 रुपये, तो आ गए यहाँ पे 20,000 इंटू में रेट वो 12/100 इंटू माह कितने हो गए फिर 31 मार्च से लेकर 31 मार्च तक जो महीनों की संख्या है वो 0 हो गई, तो 0/12 करोगे तो इसका आंसर वापस 0 ही आएगा। कितना आएगा? 0 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 31 मार्च से 31 मार्च तक का कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो इसका जो टोटल ब्याज हो गया वो कितने रुपये का हो गया? 1,800 और 500 2,300 रुपये का हो गया। तो ए के कुल आरण पर ब्याज हो गया 2,070 रुपये, और बी के कुल आरण पर ब्याज हो गया 2,300 रुपये। समझे बात को? फिर दोबारा एक बार देखो कि अगर हमें सामान्य विधि से आरण पर ब्याज निकालना है, तो सामान्य विधि से जब आरण पर ब्याज निकालते हैं तो उसका सूत्र आरण की राशि इंटू ब्याज दर बटे 100 इंटू माह की संख्या बटे 12। अब ए के आरण पर निकालना है, ए ने पहली बार जो आरण किया वो कितना किया है? 10,000 रुपये का किया है। अब 10,000 का रेट क्या है? 12%, 12/100 हो गया। माह की संख्या 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? 12 महीने। तो 12/12 कितना आ गया? 1,200 रुपये का आ गया। अब उसने आरण किया 30 जून को, ए ने 30 जून को आरण किया, कितने का किया? 8,000 का। 8,000 का रेट कितनी है? 12%, तो 12% आ गई 12/100, महीने बच गए 30 जून से लेकर 31 मार्च तक 9 माह बच गए, तो ये आ गया अपना 9 महीने का 720 रुपये। उसके बाद उसने आरण के 31 दिसंबर को 5,000 रुपये का, 5,000 आ गए, रेट वही 12%, और आगे बच गया अपना 31 दिसंबर से 31 मार्च तक 3 महीने, तो 3 महीने का 150 ही आ गया। टोटल हो गया इसका 1,200, 2,070, ये 2,070 रुपये हो गया। फिर हमें निकालना बी के आरण पर ब्याज, बी के आरण पर जब ब्याज निकालेंगे तो बी ने पहली बार आरण वही 1 अप्रैल को किया 15,000 रुपये का, रेट 12% है, महीने वही 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 12 महीने हो गए, तो 12 महीने का ही निकाले तो अपना 1,800 रुपये आ गया। 15,000 का 12% 1,800 रुपये आ गया। उसके बाद उसने आरण किया 31 अक्टूबर को 10,000 का, रेट वही 12% हो गई, महीने बच गए 31 अक्टूबर से 31 मार्च तक, नवंबर दिसंबर और जनवरी फरवरी मार्च 5 माह बच गए, 5 महीने का ये निकाला 10,000 का, तो 500 ही आ गया। फिर उसने आरण के 31 मार्च को 20,000 का, अब 31 मार्च को 20,000 का आरण किया, उस दिन 31 मार्च से 31 मार्च को ही साल समाप्त हो रहा है, इसलिए समय है वो 0 हो गया, इसलिए इसका जब ब्याज निकालेंगे तो कोई राशि नहीं आएगी, तो इसका कुल ब्याज है वो 2,300 रुपये हो गया। तो ये हमारी होगी सामान्य विधि से आरण पर ब्याज। अब हमें निकालना है, इसी सवाल को गुणनफल विधि से करते हैं, इसी सवाल को जब गुणनफल विधि से करेंगे आहरण पर ब्याज कौन सी विधि से करना है? अपनी गुणनफल विधि। गुणनफल विधि से तो गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बटे में 100 इंटू 1/12, क्योंकि दिन तो है नहीं, 365 लिखना नहीं है, इसलिए हमें इसमें सबसे पहले चाहिए गुणनफलों का योग, ब्याज दर वही 12% चलेगी इंटू 1/12 रहेगा, तो मैन हमें इसमें गुणनफलों का योग चाहिए। लेकिन गुणनफलों का योग के लिए हमें पहले क्या चाहिए? गुणनफल भी चाहिए। तो गुणनफल कल हमने कैसे निकाला था? इसमें पहले कॉलम बनाओ, देखो एक कॉलम बनेगा मंथ का और एक बनेगा प्रोडक्ट यानी गुणनफल का, और इसके दो कॉलम होंगे, एक ए के लिए एक बी के लिए, एक ए का और एक बी का।
ठीक है। अब हमें सबसे पहले निकालना है, देखो मंथ कितने हो गए, 1 अप्रैल से लेकर पहली बार आर एन इन दोनों ने कब किया, 31 मार्च को, 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 12 माह, तो यहाँ पे 12 महीने लिखा। फिर ए ने किया था 30 जून को, तो 30 जून से लेकर आगे 31 मार्च तक हुए थे 9 माह, तो यहाँ पे 9 लिख दो। और 31 अक्टूबर को किया था, चाहे करे कोई, चाहे ए करे चाहे बी करे, कुल मंथ का एक ही बना लो, इसमें आए थे अपने 5 महीने। फिर इसने किया था अपना 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को किया तो आगे कितने महीने बचे, 3, और इसमें बच गया 0। अब क्या करना आपको, गुणनफल विधि से इसे करना है, तो पहले गुणनफल निकालना है आपको। तो प्रोडक्ट या गुणनफल का फॉर्मूला क्या था अपने, पहले ए का निकालेंगे तो अमाउंट को मंथ से मल्टीप्लाई करना है, तो 10,000 को पहले 12 से किया, 1,20,000 तो ये आ गया। फिर किया 15,000 को 12 से, तो ये आ गया बी का 1,80,000। फिर 30 जून को इसने किया, इसमें 9 माह है, तो 8,000 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे अपने, 9 से, तो 8,000 को 9 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया अपना 72,000। इसने किया ही नहीं है। उसके बाद 31 अक्टूबर को बी ने आरण किया कितने का, 10,000 का, मंथ कितने हैं, 5, तो इसके आ गया अपना 50,000। उसके बाद 31 दिसंबर को फिर ए ने किया 5,000 का, तो क्या करोगे, 5,000 को भाई 3 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा अपना 15,000। और फिर यहाँ पे मंथ 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 बी वाले। अब इसका टोटल प्रोडक्ट देख लो पहले, इसका टोटल प्रोडक्ट हो गया अपना 1,80,000 और 50, 2,30,000। इसका हो गया अपना 1,20,000, 1,92,000, 1,92,000 और 15, 2,07,000। तो ए का प्रोडक्ट टोटल आ गया 2,07,000 और बी का आ गया 2,30,000। अब हम गुणनफल विधि से ए और बी दोनों का निकालना है, तो क्या करोगे, पहले ए के आरण पर ब्याज, पहले कह रहे हैं गुणनफलों का योग जो कितना है, 2,07,000 गुणा में ब्याज दर जो कितनी है, 12% इंटू में 1/12 ही लगाना है इसमें गुणनफल विधि में, 12 से 12 गए, 20 से 20, 2,070 आ गया। बी के आरण पर ब्याज निकालेंगे, तो बी के आरण पर ब्याज हो गया अपना, बी का टोटल कितना था, 2,30,000, 2,30,000, रेट क्या है, वही 12% इंटू में 1/12, तो 12 को 12 से काटा, 20 से 20 काट दी, इसका आ गया 2,300 रुपये। तो जब हमने सामान्य विधि से किया था तो ए के आरण पर कुल ब्याज आया था 2,070 रुपये और बी का आया था 2,300 रुपये और गुणनफल विधि से भी 2,070 और 2,300 ही आएगा। कहने का मीनिंग होता है सामान्य विधि से करो या फिर गुणनफल विधि से करो, आंसर अब आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो गुणनफल विधि से जब अपने आरण पर ब्याज निकालेंगे, सूत्र क्या हुआ, गुणनफलों का योग इंटू ब्याज दर बटे में 100 इंटू 1/12। ए के आरण पर ब्याज निकालेंगे तो गुणनफलों का योग टोटल ले लेंगे, यहाँ पे 2,07,000 जो कैसे निकाला, ए की अमाउंट को किससे मंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपना ए का प्रोडक्ट आ गया, उसका जो हमने टोटल किया तो वो आ गया 2,07,000 रुपये और बी का मंथ से किया उसकी अमाउंट को मल्टीप्लाई तो इसका जो प्रोडक्ट है वो 2,30,000 आ गया। तो ए के आरण पर जब ब्याज निकाला तो गुणनफलों का योग 2,07,000, रेट क्या दे रखिए 12% इंटू इसमें सूत्र में 1/12 है, इसे जब हल किया तो आ गया 2,070 रुपये और बी के आरण पर जब ब्याज निकाला तो बी का प्रोडक्ट कितना है 2,30,000, तो 2,30,000 रेट कितनी दे रखिए 12% इंटू 1/12 जो सूत्र में है इसे ज्ञात किया तो 2,300 रुपये आ गया।
तो हमने जो समन्वय विधि से इसे निकाला तो भी 2070 और 2300 आया, और गुणनफल विधि से निकाला तो भी 2070 और 2300 रुपये ही आया। को नहीं के ऊपर ले बंदा कौन सा हो